Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto का रास्ता. Winners, दो दिन पहले मैंने आप लोगों को base chain के जो top 3 project हैं, Brett, Moog and Degen, उन तीनों के ऊपर अलग अलग मतलब dedicated 3 वीडियो बना के दिए हैं. और उन तीनों वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि आप लोग बेस चेन के पोटेंशियल को समझें और एटलीस्ट जो बेस चेन के टॉप 3 प्रोजेक्ट हैं उनको एग्जैक्टली बाय कर लें. वैसे तो दोस्तों बेस चेन पर आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट के पोटेंशियल हैं. जैसे अगर आप लोग मेरे साथ ट्विटर पर जुड़े हो तो मैं आपके साथ बेस चेन के कई प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम शेयर भी करता रहता हूँ. अगर नहीं जुड़े सो डू ज्वाइन विद मी ऑन ट्विटर ऑल्सो बिकॉज यू नो वेरी वेल बुलरन स्टार्ट हो चुका है एंड राइट नाउ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस. दैट्स व्हाई डू कनेक्ट विद मी ऑन ट्विटर एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मी. आप जुड़ना चाहें तो किसी भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ो, उनको ट्विटर पर फॉलो करो ताकि जो नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते हैं, जो एकदम वीडियो बनाने मतलब एकदम से वीडियो नहीं बनती प्रोजेक्ट्स की लेकिन उनके उनसे रिलेटेड ट्वीट बहुत जल्दी कर दिया जाता है. सो डू ज्वाइन ट्विटर एंड अपडेट रहो ट्विटर पर. अब बात करते हैं जो मैं अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार बेस चेन के प्रोजेक्ट शेयर करता रहता हूँ, उनमें एक प्रोजेक्ट है तोशी क्वाइन. ओके, मतलब अगर हम टॉप 3 की बात कर रहे हैं अभी तक तो वो ब्रेट है, मोग है, डीजेन है, बट अगर मैं टॉप 4 में आ जाऊँ तो तोशी सबसे बेस्ट चॉइस बनता है. 2023 में ये प्रोजेक्ट आया था और 2023 के बाद इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी बड़ा बूम मार्केट में लेके आया और इस टाइम पर हमें एक बार फिर से लग रहा है कि जो तोशी प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा बनने वाला है. तो मैं आप लोगों के साथ तोशी जो इस टाइम पर तोशी का मतलब ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, 541 रैंक है इस टाइम पर और 540 रैंक के साथ इस टाइम पर 54 मिलियन की सप्लाई है. आपको एक सिंपल सा मतलब अगर यहाँ से हिंट दूँ तो फरवरी 2025 तक आप लोग इजीली इससे 10x एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं. मतलब $500 मिलियन की सप्लाई तोशी में मुझे इजीली बनता हुआ दिखाई दे रहा है. तो अगर आप लोग बेस चेन के फोर्थ प्रोजेक्ट पे जाते हैं तोशी इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस. इसके बाद अगर हम लोग टॉप 5 प्रोजेक्ट की बात करें, वैसे तो बहुत प्रोजेक्ट हैं, मतलब बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बेस चेन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो मुझे इस टाइम पर टॉप चॉइस लग रहा है एक है प्रोजेक्ट 220 रैंक का है और उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों ओसाका प्रोटोकॉल. ओसाका प्रोटोकॉल 220 रैंक पर है और आज की डेट में इसकी मार्केट कैप $250 मिलियन की है और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पोटेंशियल है कि ये मल्टी बिलियन मतलब डॉलर की वेबसाइट बना सकता है. ओसाका प्रोटोकॉल अगर आप देखना चाहें तो ये मल्टी चेन बेस्ड प्रोजेक्ट है. आप यहाँ देखिए कितनी सारी चेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी. ओसाका प्रोटोकॉल मल्टी चेन बेस्ड प्रोजेक्ट है. इथेरियम, बीएनबी, एवलांच, ऑप्टिमिज्म, बेस, आर्बिट्रम एंड पॉलीगॉन, ये भी बेस चेन का एक टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट बनता है जो बेसिकली एक मतलब ऑनरशिप जो परसेंटेज होती है, मतलब जो एक कम्युनिटी की अपनी ऑन करी हुई परसेंटेज होती है किसी भी टोकन का, उसका एक फाइनेंशियल मेथड जो है वो एक फाइनेंशियल मेथड का एक रूल बनाया गया है. ओके, और ब्लॉकचेन स्पेस में ऐसे फाइनेंशियली मेथड के रूल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है. तो जो फाइनेंशियल मेथड का रूल बनाया गया है वो रूल जो है उस रूल का एक मतलब इट्स अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स सॉरी. तो जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं फाइनेंशियली इक्वली डिवाइड करने के कम्युनिटी में, वो एक प्रोटोकॉल है. उस प्रोटोकॉल का नाम है ओसाका प्रोटोकॉल ऑन बेस चेन. मतलब स्टार्ट हुआ था बेस चेन पे, आज हम लोग देख रहे हैं ब्रिजिंग और क्रॉस चेन की हेल्प से, इन नंबर ऑफ यूटिलिटी की हेल्प से अब जो ओसाका प्रोटोकॉल है वो आपको मल्टी चेन बेस्ड प्रोजेक्ट बनता हुआ दिखाई दे चुका है. सो ओवरऑल एक मेरे हिसाब से ओसाका और तोशी ये भी दो बेस्ट चॉइस है अगर हम लोग बेस चेन के प्रोजेक्ट को डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं तो. अदरवाइज ब्रेट, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, बहुत बड़ी ताकत है ब्रेट के अंदर. मे बी ब्रेट जो है पैपे, फ्लोकी, बोंक इन तीनों प्रोजेक्ट को फ्लिप कर दे, मे बी विफ को भी फ्लिप कर दे और फ्लिप करने के बाद ब्रेट अपनी मार्केट कैप को मे बी एक अगर हम बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेक्ट करें तो $100 बिलियन की भी बना सकता है. अदरवाइज 50 या $70 बिलियन तक ईजिली ब्रेट जा सकता है. और अगर सेम अगर मैं मोग की बात करूँ तो मोग कॉइन के बैकेंड में जो इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आ चुकी है, मे बी मोग फ्लिप ब्रेट. येस माई फ्रेंड्स, पहला बुलरन है इन सभी प्रोजेक्ट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम लोग इस टाइम पर फिगर्स देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं या इनके पोटेंशियल को देख रहे हैं, या मतलब अगर आप क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स की साइड से बात करो तो एवरीबडी इज़ यू नो बाइंग लो कैप जेम. तो ब्रेट और मोग के कंपैरेटिवली इस टाइम पर जो सप्लाई कम है वो मोग की है.
तो अगर मोग के बैकएंड में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आती है, सो नो डाउट मोग मे बी फ्लिप ब्रेट, दिस इज द पावर ऑफ मोग कॉइन। और इसी के बैकएंड में अगर हम दोनों प्रोजेक्ट को स्किप कर दें, वी हैव डीजेन, और डीजेन इज नॉट ओनली अबाउट मीम कॉइन, स्टार्ट हुआ था मीम कॉइन से, लेकिन फाइनली डीजेन ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी डेवलप की है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात भी किया है, फॉरकास्टर डीजेन चैनल, जिसमें 15% मतलब 15% जो सप्लाई है वो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी एज अ एयरड्रॉप, और जो 70% सप्लाई है वो टाइम टू टाइम जब आप लोग रैपकास्ट जो फोरकास्ट एप्लीकेशन है लाइक ट्विटर लाइक सोशल मीडिया, सो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं उसमें $5 पे करते हैं एवरी ईयर के हिसाब से, और टाइम टू टाइम पोस्ट शेयर करते रहते हैं, तो 70% ऑफ द सप्लाई में से आपको भी सप्लाई का एक पार्टिसिपेट करने का हिस्सा मिल सकता है, और आपको भी कुछ सप्लाई मिल सकती है डीजेन की। तो आप देखिए 85% ऑफ सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दिस इज द प्योर एग्जांपल इन दिस ब्लॉकचेन स्पेस, जहां पर एक क्लियर इंडिकेटर है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट यूटिलिटीज, और जो रेस्ट ऑफ 15% सप्लाई है मे बी उसमें से 5 या 7% सप्लाई जो होगी वो अल्टीमेटली कम्युनिटी के या डेवलपर्स के पास होगी, अदरवाइज बाकी सप्लाई को भी बर्निंग या नंबर ऑफ और एडॉप्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इम्पैक्ट इन दिस ब्लॉकचेन स्पेस, सो मे बी डीजेन विल फ्लिप बोथ ऑफ देम, ब्रेट एंड मोग। हालांकि इसका चांस अभी कम बन गया है बिकॉज ऑफ सप्लाई पैरामीटर, लेकिन आप भी जानते हैं दोस्तों क्रिप्टो स्पेस है, 50x 100x देखते ही देखते प्रोजेक्ट निकल जाते हैं 8 से 10 दिन 15 दिन के अंदर, और कई बार तो 8-15 दिन भी नहीं लगते। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 3 जा रहे हैं, ब्रेट मोग एंड डीजेन टॉप मोस्ट चॉइस है, अगर आप लोग टॉप 5 जा रहे हैं तो तोशी और ओसाका प्रोटोकॉल, इन दोनों को भी ज़रूर एक बार रिकमेंड मतलब फॉलो करके देखो, रिसर्च करके देखो, और बेस चेन के इन 5 प्रोजेक्ट पर एटलीस्ट अपनी नज़र बनाए रखो। बुलरन स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों को इन 5 प्रोजेक्ट में से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने का काफ़ी बड़ी उम्मीद ऑलरेडी बन चुकी है। बट येस, प्लीज़ कीप इट इन माइंड, यू आर इन द हाईली वॉलाटाइल मार्केट, सो प्लीज़ डू योर ऑन रिसर्च बिफोर बाइंग, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्रिप्टो मार्क यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।